बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 22 अगस्त मंगल का दिन 6 भादों 6 सवर 30 नेगड़े और आज हम स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आ रहे हैं अस्करी बैंक लेके आ रहे हैं जिसका 15.66 रुपीज पे भी ये बंद हुआ है हाई 16.18 और लो 15.15 और 9.75 इसका हज़ार इसका वॉल्यूम है और बात यह है कि इसने अभी अपने 30 जून के फाइनेंशियल आप किए हैं इनका जो ईपीएस सेकंड क्वार्टर का है 2.85 तो यहाँ आ रहा है अब इनकी इन्होंने क्या किया इन्होंने ये किया है कि इन्होंने फिर एक तरह से शेयर होल्डर्स के हक में लिद कर दिया शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं दिया और ना ये देने के काबिल हैं तो ये आपको शेयर कर रहे हैं मगर अब हम जाते हैं इनकी फाइनेंशियल पे तो देखिए बेसिकली इनके जो अर्निंग पर शेयर अब आ गया ना वो इस वक्त आप अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडिंग जून 30 जून 2023 अब उसके अगर हम देखें तो प्रोविजंस करके तो इसको अर्निंग पर शेयर 6.10 रुपये है और रीस्टेटेड जो उसने 4.35 रुपये अब मैंने जो यहाँ से बात करना है कि चाहे ये 10 अरब क्यों ना कमाए चाहे ये 20 अरब क्यों ना कमाए मगर इन्होंने शेयर होल्डर्स को तो कुछ भी नहीं दिया और साल के आखिर में ये भी चनकला देंगे तो बयार ये है कि ये प्रॉब्लम भी है कि अस्करी बैंक का प्रॉब्लम क्या है अस्करी बैंक का प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इट इज़ अ वेरी गुड बैंक इसकी बड़ी अच्छे लोग हैं काम कर रहे हैं बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं मगर डेडिकेटेड लोगों की अप्रिसिएशन नहीं है अस्करी उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो भी प्रेजिडेंट आता है वो अस्करी बैंक के अंदर से नहीं आता वो बाहर से पैराशूटर है ग्रास रूटर नहीं आ रहा अब जो आते बुखारी साहब है इनको लाके आते बुखारी साहब जो है ना वो वकार मलिक के मंजूर नज़र हैं तो जब तक वकार मलिक साहब हैं आते बुखारी को हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा आते बुखारी साहब ने जो कुछ करना है वो कर दिया अब ये है कि मार्च अप्रैल तक इन लोगों को हमने बर्दाश्त करना है मार्च अप्रैल के बाद इन लोगों का नामो निशान भी नहीं होगा और इसकी वजह यह है कई जगह आतिफ बुखारी साहब और वकार मलिक साहब एक ही जगह में डायरेक्टर और मेंबर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्सीजन 3-4 बार कंपनी में छोड़ा आपको बोर नहीं करता बहरहाल मेरे हिसाब से एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट आपकी बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड एनी इन्वेस्टमेंट है अस्करी बैंक या अस्करी बैंक कुछ भी नहीं देगा आपको और सब ये फंसा कर रख दिया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में और MCR में इसने फंसाया हुआ हम लोगों को Tier 1 Tier 2 में फंसा रखा है तो अगेन मेरा फाइनेंशियल एनालिसिस सुन लीजिए नॉट रिकमेंडेड इट्स गुड दैट वी एग्जिट फ्रॉम अस्करी बैंक हाँ मे बी अगर कोई इनहेरेंट इंटरनल सेक्शन प्लानिंग से कोई अच्छा प्रेजेंट आ जाता है तो आई थिंक ये अस्करी बैंक फिर इसका शेयर 70-80 रुपये पर चला जाए फिलहाल अंडर द प्रेजेंट मैनेजमेंट ऑफ द नेक्सस ऑफ मिस्टर आतिफ बुखारी एंड मिस्टर वकार मलिक अस्करी बैंक ऊपर नहीं जाएगा हमारी आज की वीडियो कैसी लगी अपना ख्याल रखिए इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें हमारा ख्याल रखिए हमारे चैनल का ख्याल रखिए वस्सलात वस्सलाम खातम नबीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान प्योरिटी एंड फ्रेशनेस प्रिजर्व्ड In an all-new glass bottle, water just got better. Marais Sparklets, a quality product of Marais Brewery.